माली साल 2023-24 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 13,800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में 6,000 अरब से जायद मालियाती खसारा मुतवक्के। टैक्स का हदफ 9,800 अरब, कर्जों और सूद अदायगी का हदफ 7,600 अरब से जायद रखे जाने की तवक्को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर सबसे ज्यादा 52% फंड्स खर्च करने का प्लान। विफाक और सूबों का तरक्याती बजट 27 अरब से जायद होने का इम्कान। तवानाई के लिए 89 अरब, भाषा डैम के लिए 45 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% तक इजाफे का इम्कान। पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी आ गई। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बजट तजावीज की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। वजीर आजम से गुज़श्ता रोज मुआशी टीम ने मुलाकात की, इक्तसादी सर्वे पेश किया। शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुआशी टीम की कोशिशों को सराहा। बोले कि बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। ज़राअत और IT शोबों की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी की जाएगी। किसानों को आला मेयार के बीज और खुदकार मशीनरी फराहम करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। रवा माली साल फी का आमदन 1,558 डॉलर रही। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक पहुंची। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। बरामदात का मुतय्यन हदफ हासिल ना हो सका। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.5%, लाइफ स्टॉक की 3.7% रही। बड़े सनअती शोबे की शरह नमू -7.9%, तामीरात की -5.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्की मुआशी और मजमूई सूरत हाल के हवाले से इंतहाई मुश्किल साल था। मुआशी इस्तेहकाम पैदा और पाकिस्तान को वापस तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि अगले साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर किए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली के इंडिकेटर्स बताए गए हैं। नून लीग की हुकूमत ने पहले 3 E's पर काम किया। 2023 को 5 E's का नाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान को 2017 की मईशत पर वापस लेकर जाना होगा। 2013 में हुकूमत संभाली तो बुरे मुआशी हालात थे। साबिक हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। चंद साल में मईशत 24वें नंबर से 47वें नंबर पर पहुँच गई। हल्का LA 15 बाग का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक सरदार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के राजा जमीर सिर्फ 4,942 वोट ले सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। सियासत में हलचल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात का क्याम। जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ से नई सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। जहांगीर तरीन कहते हैं कि 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया। 9 मई को हमले करने वाले शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। इन वाहिद मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना है। चंद दिन में और लोग भी नई जमात में शामिल होंगे। मुल्क में मुआशी और इक्तसादी इस्लाहात नागुजीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात बढ़ाना और IT सेक्टर को उठाना होगा। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें अवाम, पार्लियमान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम परेशान है। इंतशार का खात्मा और पाकिस्तान का इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। जहांगीर तरीन की सरबराही में मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। माजी में खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया जिसके लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाते रहे। अब एक बार फिर इकट्ठे होकर नई जदोजहद में हिस्सा डालेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कोर ग्रुप का इजलास भी हुआ। PTI के बड़े नामों समेत 120 से ज़ायद साबिक अराकीन नई पार्टी में शामिल हो चुके। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी और फयाज चौहान शामिल। नोरेस शकूर, यासिर हुमायूं, मुराद रास, चौधरी जहीर और फिरदौस आशिक अवान भी पार्टी का हिस्सा। महमूद मौलवी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जय प्रकाश, जीजी जमाल, अजमल वजीर और दीगर दर्जनों अराकीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके।
आज इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर गरज चमक और झालाबारी का इम्कान। लाहौर, कसूर, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान में बारिश का इम्कान है। राजनपुर, रावलपिंडी, जहलम, मरी और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और कंबर में आंधी और बारिश हो सकती है। सवात, एबटाबाद, मानसहरा, बालाकोट, कुरम और कोहिस्तान में बारिश का इम्कान। बारखान, मूसाखेल, लसबेला और आवरान में भी बरसात का इम्कान है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए भी रकम मुख्तस होगी। वफाकी हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस करने का फैसला। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई के लिए 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। इंतखाबी तैयारियों के लिए बजट में 1 अरब 2 करोड़ रुपए से जायद रकम रखी जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत 12 जून को सूबाई बजट का ऐलान करेगी। 4 माह के बजट का ऐलान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पंजाब का बजट 1200 अरब रुपए के लगभग रखने जाने की तवक्को। 4 माह के तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रखे जाने का इम्कान। बजट डॉलर की कीमत 290 से 295 रुपये को मद्देनजर रख कर बनाया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का 409 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। विफाक की मदद से चलने वाले मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए का तखमीना। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों का बजट 263 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। सालाना सूबाई प्रोग्राम की मद में 380 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाईदार हुकूमत लाहौर में भी ब्रॉयलर चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आए रोज मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 2 माह के दौरान 216 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ। ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। 1 अप्रैल को ब्रॉयलर चिकन का निर्ख 438 रुपए किलो था, जो आज 654 रुपए किलो है। शहरी कहते हैं कि बीफ और मटन के बाद अब चिकन भी खरीदने की सकत खत्म हो गई है। गरीब आवाम तो मर रही है, हम भी मर रहे हैं साथ, मगर बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो ये है कि सस्ता होना चाहिए थोड़ा, आवाम मर रही है। गरीबों वास्ते बहुत मुश्किल काम है, तो लिहाजा जरा ने इन मुर्गी थले लियाओ, नहीं तो उक्का बंद कर दो। चलो ये तो पता है, है ही कोई नहीं। दुकानदारों का कहना है कि चिकन महंगा होने से कारोबार मुतासर हुआ। चिकन का साइज छोटा आने की वजह से गोश्त कम निकलता है, मुनाफा खत्म हो गया है। फिटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से माल जो है ना, जो मुर्गी का जो वजन है वो नीचे जा रहा है, कमजोर है, उससे स्पेशली हम लोगों को ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इसी के बारे में देखना चाहिए। पोल्ट्री सेक्टर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना है कि चूजा महंगा होने और मशीनें कम चलने की वजह से पैदावार में कमी के बायस ब्रॉयलर गोश्त महंगा हुआ है। बिजली है, पेट्रोल है, लेबर है, ये सारी चीज़ों का ऊपर कॉस्ट के ऊपर तो फर्क आता है, लेकिन जो प्राइस है ना, प्राइस का ताल्लुक जो है ना, ये 1 डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक के साथ है। आजकल जो मुर्गी आ रही हुई है, ये 800 इनक्यूबेटर से निकला हुआ चूजा है, जिसकी मुर्गी तैयार होकर मार्केट में आ रही है। शहरियों ने अपील किया कि हुकूमत चिकन सस्ता करने के इकदाम करे। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ नवाज संग्रा, 92 न्यूज़ लाहौर।